Good morning. Welcome back. My today's topic is the romantic imaginations and national feeling. आपने ना प्रीवियस वीडियो में ये देख रखा है कि किस तरीके से लिबरलिज्म आया, किस तरीके से कंजर्वेटिव्स आए और अब अपन देख रहे हैं रोमांटिज्म. ठीक है, मैंने जब बता रखा है कि जब कभी भी आइडियाज्म आएगा, इट मींस आइडियोलॉजी, एक विचारधारा को लेकर चलने वाला ग्रुप के बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, तो क्या है रोमांटिक और इमेजिनेशन, उनके क्या थे, उनके नेशनल फीलिंग्स को लेकर क्या थॉट्स थे, चलिए देखते हैं. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प इन एक्सप्रेसिंग एंड शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग. और ना यहाँ पे क्या हो रहा था, लिबरलिज्म जो थे उनको फ्रीडम चाहिए था, तो वो अपने विचारधारा कि हमें वोटिंग चाहिए, हमें सफरेज चाहिए, ये बोल बोल के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगा रहे थे कि मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए. ठीक है, कंजर्वेटिव ग्रुप जो था वो क्या कर रहा था कि नहीं, मोनार्की सिस्टम होना चाहिए और साथ ही साथ में जो चेंजेस हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उसको भी अडेप्ट करने वाली आइडियोलॉजी. ठीक है, ऐसा ग्रुप. रोमांटिज्म क्या था, कल्चर वर्ड मतलब आंसर की शुरुआत ही कल्चर से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो कल्चर लेकर चलने वाला होगा. जैसे कि कल्चर क्या करता है, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, एक आइडिया ऑफ द नेशन को जनरेट करने में. जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतना अलग अलग कल्चर है कि वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है ना. उसी तरीके से ये विचारधारा ये लोग लेकर चल रहे थे. किसके थ्रू होती थी ये नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट, किससे हो रही थी, आर्ट एंड पोएट्री से, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब क्या कर रहे थे, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को जगा रहे थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रोमांटिज्म क्या है एक्चुअली में डीपली देखते हैं. रोमांटिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. अब देखिए, जो लोग थे जिनको लगता था कि कल्चर के थ्रू लोगों के दिलों के अंदर नेशनलिज्म जनरेट किया जा सकता है, वो लोग हो गए रोमांटिक. ठीक है, अब रोमांटिज्म क्या हो गया कि जब उन लोगों ने कल्चरल मूवमेंट्स चालू किए है ना, ताकि वो क्या करें, लोगों के दिलो दिमाग में सेंटिमेंट, नेशन से जुड़े हुए सेंटिमेंट को डेवलप कर सके, तो इसके लिए रोमांटिज्म वर्ड यूज किया गया है. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. अब क्या हुआ कि ये जो लोग थे ये जनरली आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे है ना, जो अपने विचारों को रिप्रेजेंट करना जानते थे, लोगों के सामने किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना जानते थे. ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उस समय पर जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, जो तर्क हो रहे थे, जो साइंस डेवलप कर रहा था, तो लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू किया कि साइंस अपनी जगह है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस हैं वो अपनी जगह होने चाहिए और वो राइट इमोशंस होने चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज करना चालू किया, ग्लोरिफिकेशन किसका, साइंस का, बट उन्होंने फोकस किस पे करने के लिए कहा, इमोशन और मिस्टिकल फीलिंग्स, मतलब क्या आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसके ऊपर फोकस करने के लिए जोर दिया. अब क्या कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स, क्या क्या योगदान इन्होंने दिए और क्या वो वाकई में प्रभावशाली रहे, चलिए देखते हैं. पहला, फॉक कल्चर, जो कल्चर है पुराना कल्चर है ना, उसके बारे में क्या कहना है. द फेमस जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. यहाँ पर एक फेमस जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इनका मानना ये था कि जो रियल ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन लोग जो है, वहां के जो रहवासी है जर्मनी के, ठीक है, तो उनके अंदर वो फीलिंग्स आनी ही चाहिए, उनके कल्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें आनी ही चाहिए. और इस कॉमन पीपल के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, दास वॉल्क. आई रिपीट, दास वॉल्क.
It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. अब इनको ये लगता था कि ये जो कॉमन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी है तो वो किसके थ्रू जाग सकती है, जो हमारे पुराने लोक गीत है, लोक पोएट्री है ना, फोक पोएट्री है, कुछ फॉर्म्स ऑफ डांसेस हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है, लोगों के अंदर स्पिरिट जगा या जा सकता है, पॉपुलराइज उसको किया जा सकता है। अब है ना, जैसे मैं एक बात बताती हूँ, हम कभी भी ना देशभक्ति अपन ये नहीं बोलते कि 24 घंटे पहरी, नहीं, जब कभी भी ना मैं बोलती हूँ कि मैं सुनती हूँ कि ए मेरे वतन के लोगों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉन्ग असर डालता है। जब कोई भी आप ऐसी मूवी देखते हैं रिलेटेड टू आर्मी, देश से जुड़ी हुई है ना, और ऐसा उसमें कुछ सीन आता है कि कोई अपने सोल्जर को मार रहा है, बहुत बुरी कदर से मार रहा है, गुस्सा आने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सीन जो होते हैं, ये सॉन्ग्स जो होते हैं, कुछ डांसर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने फोक पोएट्री, सॉन्ग्स और डांसर्स के थ्रू क्या किया, कॉमन पीपल के अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की। ठीक है, अब सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इनको ये लगता था कि हमें ऐसी सारी चीजें कलेक्ट करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए, है ना, जो क्या करता है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए असेंशियल बन जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम इस पैराग्राफ के अंदर हमें याद क्या रखना है, एक्चुअली है तो ये कि कल्चर के थ्रू क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है नेशनलिज्म फीलिंग का, है ना, बट इसमें नाम आपको एक ये याद रखना है, जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, और इनको ये लगता था कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉमन पीपल के अंदर वो लाइक फॉक सॉन्ग्स, फॉक पोएट्री और फॉक डांसेस के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस ये नाम इस पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मान लीजिए कि आप फ्रांस गए और वहां पे सब जने फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं आती है लैंग्वेज फ्रेंच। ठीक है, अब क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि अरे यार लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम है, कुछ भी खरीदना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। और ऐसे में अगर आपको कोई वहां पर इंडियन मिल जाए जिसको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, आप फटाक से उसकी तरफ डाइवर्ट होंगे कि नहीं होंगे, 100%। मतलब लैंग्वेज भी क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक भाईचारा दिखा देते, अरे तू इंडियन है मैं भी इंडियन हूँ, चल 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 बता क्या कैसे, है ना। तो ये चीज वहां पर समझ में आती है। अब अपन लोकल इंडिया में रहते हैं, लोकल हिंदी बोलते हैं या अपनी स्टेट की लैंग्वेज बोलते हैं, तो एज सच इतना फर्क हमें महसूस नहीं होता, बट जैसे ही हम बाहर के देशों में जाते हैं और वहां की लैंग्वेज जब हमको नहीं आती है और कोई इंडियन वहां पर मिलता है, तब पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, राइट। वो एक चीज यहाँ पर हुई, हालांकि ये लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, बट इनके ऊपर जबरदस्ती दूसरी लैंग्वेज थोपी जा रही थी, तो लैंग्वेज से भी इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को एक दूसरे तक पहुंचाया। कैसे, चलिए देखते हैं। Language also played an important role in the development of the nationalist sentiment after Russian occupation. The Polish language was forced out of the school and the Russian language was imposed everywhere. जब पोलैंड के ऊपर है ना रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, डोमिनेंस आ गया रशिया का, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज जो की उनकी लैंग्वेज थी पोलैंड के लोगों की, तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, निकाल दिया गया सभी जगह से, चाहे वो स्कूल हो या कहीं पे भी वो लैंग्वेज जो यूज की जा रही थी पूरी तरीके से हटा दी गई, और रशियन लैंग्वेज को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली हर जगह यूज किया जाए, ये अनाउंसमेंट कर दी गई। अब आज अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, कोई हमें बोले कि नहीं आप हिंदी नहीं बोल सकते, तो लगेगा क्या हम हमारे देश में रह रहे हैं, नहीं लगेगा ना। बिल्कुल वैसी ही चीज वहां के लोगों के साथ हो गई, पोलिश लैंग्वेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया। इन 1831 एन आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टू प्लेस। अब नेचुरली क्या
भाई बगावत तो होनी ही थी, लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो फिर बचा क्या। तो 1831 के अंदर क्या हुआ, कुछ आम रिबेलियन यानी जो लोग जिनके पास थोड़े से हथियार थे उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया रशियन रूल के अगेंस्ट में। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी ऑफ पोलैंड बिगन टू यूज अ लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। बहुत से क्लर्जी जो थे, क्लर्जी मतलब कौन, जो लाइक प्रिस्ट वगैरह होते हैं ना चर्च के अंदर, वो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को नकार के, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, टू यूज पॉलिश एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। की लोगों को ये बताया कि पॉलिश लैंग्वेज को अपन क्या करेंगे, एज अ वेपन यूज करना चालू करेंगे ताकि रशिया का जो ये डोमिनेंस है उसको खत्म किया जा सके। पॉलिश वॉज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग एंड इन ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब क्या किया लोगों ने, पॉलिश लैंग्वेज को बैन किया, तो भी पॉलिश ही वो बोल रहे थे, ये पूरी तरीके से चर्च के अंदर बोले जाने लग गई, जहां पर गैदरिंग होती थी जो प्रेयर्स होती थी वो सब पॉलिश लैंग्वेज में होने लग गए, यहाँ तक कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी को देने तो वो भी उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज के अंदर ही देना चालू रखा, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया। फिर द यूज ऑफ पॉलिश वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब ये लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लैंग्वेज बोल रहे हैं, मना करने के बाद भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या बन गया है, एक सिंबल बन गया है, किसका, स्ट्रगल का, किसके अगेंस्ट में, जो रशिया दबाव डाल रही थी रशियन डोमिनेंस के ऊपर, क्या हो रहा था, ये एक सिंबल की तरह शो कर रहा था कि हम आपके प्रभाव में आने वाले नहीं। तो यहाँ पर लैंग्वेज ने भी क्या किया, नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाना चालू किया। फिर थर्ड है म्यूजिक, कैरोल कर्पिंस्की, नाम याद रखिएगा, कैरोल कर्पिंस्की अ पोलिश सिटीजन सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज। ओपेराज क्या है, लाइक इंस्ट्रूमेंट के साथ जो गाते हैं, है ना, बड़ा ही लाइक ओपेरा, आप सर्च करिए, मजा आएगा आपको सुनने में, मेरे को तो नहीं पसंद आया बट आई थिंक आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ओपेरा और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, टर्निंग फोक डांसर्स लाइक, और कुछ फोक डांसर्स के फॉर्म्स उन्होंने बनाए थे जिसको पोलोनाइज और मजूर का नाम दिया गया है, उन्होंने नहीं बट हाँ डेवलप किए गए थे जिनको पोलोनाइज और मजूर का बोला गया, तो उनके थ्रू पे नेशनलिस्ट सिंबल का ये काम करते थे, मतलब ओपेराज जब म्यूजिक के साथ जब वो गाया जाता था ना तो लोग भाव मुक्त हो जाते थे, वो नेशनल नेशनलिज्म को फॉलो कर शो करता था। उसी तरीके से कुछ फॉक डांसेस जिनके नाम आए हैं यहाँ पे, पोलोनाइज एंड मजूर का, ये भी क्या होते थे, सिंबल साबित हुए। अब इसके ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन मुमा के अगर पूछा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, चूज थ्री एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए कल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है वो बताइए, या फिर क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाएगा, हाउ डिड द रोमांटिसिज्म contribute to develop the idea of nationalism in Europe, explain। तो यही आंसर आपको लिखना है, तीनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।